क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन ऑफ एक्स दिया है यहाँ पर ए रेज टू 2x-1 अपॉन एक्स व्हेन फॉर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें ए रेज टू एक्स, मतलब ऐसा कुछ फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला यहाँ है, साथ में उसका सॉल्यूशन लॉग ए है, तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो शायद हमारा सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला इज लिमिट अप्लाई करना, लिमिट एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एक्स इक्वल्स टू 0 ए रेज टू 2x-1 अपॉन एक्स, यहाँ पर रेज टू 2x है। वेरेज अगर फॉर्मूला चेक करें तो जो नंबर यहाँ पर होगा वही नंबर डिनोमिनेटर में भी हमें चाहिए, तो a रेज टू 2x है तो डिनोमिनेटर में भी हमें क्या लगेगा 2x, डिनोमिनेटर में भी 2x लगेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स 0 ए रेज टू 2x-1 अपॉन 2x इंटू 2। एज ये कांस्टेंट है हम लोग बाहर निकाल देते हैं उसे, कांस्टेंट टर्म लिमिट के LHS साइड व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए रेज टू 2x-1 अपॉन 2x। एज पर फॉर्मूला हमारे पास सॉल्यूशन धीरे धीरे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग ए रेज टू 2x-1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग ए। तो यहाँ पर क्या है ए रेज टू एक्स, मतलब ए रेज टू 2x अपॉन 2x, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू लॉग ए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट क्या था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर बाय 1 एंड 2 क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 0, देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके के सम्स रहेंगे ऑप्शन में, तो यही प्रेफर करने हैं, क्योंकि बस एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और डायरेक्टली हमारा आंसर जो है वो आ गया। बाकी सारे टाइप के सम्स जो है वो इजी सम्स रहेंगे लेकिन काफ़ी लेंदी होते हैं, तो अगर आपको ये टेक्निक याद रह जाती है अच्छे से तो ऐसे सम्स ही प्रेफर करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 10th सम रेफर करके सेम तरीके से करना है, तो आपको वो घर पे ट्राई करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1 + 5x/2 raised to 2/x, और उसका आंसर क्या होगा e raised to 5/2। तो अगर हम लोग यहाँ पर e चेक करें तो ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज फॉर्मूला नंबर 3, 1 + x raised to 1/x, तो 1 + x raised to 1/x, यहाँ पर हम इसे चेंज करेंगे, पूरे पूरे हमारे पास चांसेस है। क्या करेंगे हम लोग, पहले तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट ऑफ एक्स 0 फॉर द फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट 1 + 5x/2 2/x। ये यहाँ पर इतना होने के बाद हमें यहाँ पर क्या लाना है, रेज टू है, अगर 5x/2 को हम क्या कंसिडर करते हैं एक्स, तो रेज टू में क्या आना चाहिए 1/x, दैट इज 2/5x। 2/5x आने से हमारा जो आंसर है वो ई के फॉर्म में आ सकता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेज टू का जो टर्म है उसमें डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को 2 से भी 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ हो जाएगा 5 × 2/5 × x,
तो ये 5 जो है वो अंदर नहीं लिख के हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ब्रैकेट बना के उसके बाहर लिखेंगे ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाए। यहाँ पर अपना टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स ज़ीरो 1 + 5x अपॉन 2 × अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो हम लोग पूरा कंप्लीट लिखेंगे 5 × 2 upon 5 × x। ये कुछ इस तरीके से टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम लोग, लिमिट एक्स ज़ीरो 1 + 5x upon 2 raised to। हमें यहाँ पर सिर्फ 2 by 5x चाहिए और ये जो 5 बचेगा उसे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर raised to डाल देंगे। अभी हमारे पास क्या आ गया, 1 + x raised to 1 by x। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग 1 + x raised to 1 by x = e। मतलब ये जो पूरा टर्म है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स ज़ीरो पूरे जो स्क्वायर ब्रैकेट का टर्म जो है उसका वैल्यू विल बी ई, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रेस टू 5 है, दैट मीन्स ई रेस टू 5। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या आ गया, ई रेस टू 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या पता चलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ज़ीरो। 1 और 2 इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट एफ ऑफ ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 5, वापस हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस दिए हुए हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 raised to 3x - 1 upon 10x व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर द फंक्शन ऑफ एक्स गोज विद राइट हैंड साइड, लिमिट एक्स 0 2 raised to 3x - 1 upon 10x। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सारे सम्स में हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तो लिमिट अप्लाई करके रखना है। सेकेंडली 2 raised to 3x है, तो यहाँ पर a raised to x अगर पॉसिबली बन सके तो हम लोग क्या करेंगे, वही ट्राई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x 0 2 raised to 3x - 1 upon 10x। 10x किया, अगर मैं न्यूमरेटर में डिवीजन डाल दूँ और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड कर दूँ तो ये पॉसिबल होगा? हाँ, दोनों वैलिड है, क्योंकि आगे चल के अगर x x कट करेंगे तो वापस हमारा जो टर्म है वो ओरिजिनल इक्वेशन में आ जाएगा। तो दिस विल बी, मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। भी x से मैंने डिवाइड किया हुआ है तो मेरे पास ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म आ गया। क्या चाहिए, बस यहाँ पर 3 से मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हमारा आंसर विल बी log a। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग लिमिट ऑफ x 0 2 raised to 3x - 1 upon x द होल अपॉन 10x upon x। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने चेंजेस क्या करना है, तो डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम लोगों ने अब तक के सम्स में किया था। अब तक ये जो हम सिंगल सिंगल सम्स कर रहे थे वो यहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो न्यूमरेटर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 log 2 हो गया और डिवाइड बाय 10x upon x = 1 बाय द रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हो गया डिवाइड बाय 1। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो है वो क्या आ गया, 3 log 2। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन, फंक्शन ऑफ x x square upon
ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स माइनस टू। वापस हम लोगों ने ऐसा सम किया था, सिक्स रेस टू एक्स, थ्री रेस टू एक्स या तो फिर फोर रेस टू माइनस एक्स। सिमिलर तरीके से हमें ये सम जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले इसे डिवीजन फॉर्मेट में डाल देंगे, एक्स स्क्वायर ई रेस टू, सॉरी लिमिट अप्लाई करेंगे पहले और उसके बाद जो भी चेंजेस करना है वो करेंगे। ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस टू, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे न्यूमरेटर में डाल देंगे। लिमिट ऑफ एक्स ज़ीरो एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स ई रेस टू टू एक्स प्लस वन प्लस वन माइनस टू ई रेस टू एक्स द होल अपॉन ई रेस टू एक्स। द होल अपॉन है इसीलिए वो रेसिप्रोकेट होके न्यूमरेटर में आ जाएगा। लिमिट ऑफ एक्स ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बी योर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन, वापस ये किसका हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ई रेस टू एक्स प्लस सॉरी माइनस वन द होल स्क्वायर। जैसे हम लोगों ने ई रेस टू एक्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली वैसे ही क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में डाल देंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो यहाँ तक आ जाए। दिस विल बी ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, लिमिट ऑफ एक्स ज़ीरो ई रेस टू एक्स, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे ज़ीरो डू ब्रैकेट ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला है, यूजिंग ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वन, लॉग ई नहीं आएगा वन आ जाएगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दिया, तो वन अपॉन वन का स्क्वायर ई रेस टू ज़ीरो इज वन एंड अपॉन वन का स्क्वायर इज अगेन वन। तो ये हो गया इक्वेशन टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्यों, क्योंकि वन और टू या तो फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ज़ीरो।